इस वीडियो इज बैकग्राउंड नॉइस, प्लीज इग्नोर इट। इस वीडियो को गैस से ना ले। जो भी वीडियो में बताया गया है, इस वीडियो को पूरी रिसर्च के साथ बनाया गया है। यदि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे तो आप निश्चित रूप से पक्का मजा लेंगे। आप सभी ने तो रामायण कभी ना कभी तो देखी होगी, या फिर हो सकता है आपने बचपन में देखी हो। इसमें भगवान श्री राम और रावण के बीच बहुत बड़ा युद्ध होता है, और उसमें श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण को वेद तो संस्कृत का पूरा ज्ञान था, और रावण सामवेद में भी निपुण था। उसके अलावा रावण तीनों वेदों का ज्ञाता था। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि रावण के शव को आखिरकार हुआ क्या, और रावण के शव को क्या जलाया या फिर नहीं जलाया गया, और उसका अंतिम संस्कार हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ये आपको पता है कि जब श्री राम और रावण के बीच जब युद्ध हुआ था, उसमें जब श्री राम ने रावण का वध कर दिया था, उसके बाद श्री राम ने विभीषण को रावण का शव सौंप दिया था। लेकिन हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन मार्क उठता है कि क्या विभीषण ने श्री राम का दिया गया रावण का शव क्या उसे जलाया या फिर नहीं जलाया गया, या हो सकता है उसका अंतिम संस्कार किया गया या फिर नहीं किया गया हो। लेकिन ऐसे तमाम सवाल आज भी बरकरार हैं। लेकिन क्या होता है कि चैनल अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारी दूसरी वीडियो जल्दी देख पाएंगे, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिए। श्रीलंका के अनेक लोगों को यही मानना है कि रावण का शव आज भी धरती पर मौजूद है और उसे मम्मी बनाकर रखा गया है, जैसे कि मिस्र के पिरामिडों में प्राचीन काल के राजाओं के शव को मम्मी बनाकर रखते थे। लेकिन यहाँ पर यह भी माना जाता है कि नाभि में तीर लगने के बाद रावण की मृत्यु हो गई थी, लेकिन रावण के राक्षसों ने रावण को जीवित करने के लिए विविध विधियों के साथ रावण को जीवित करने की काफ़ी कोशिश की। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उन राक्षसों को अंत में सफलता नहीं मिली। लेकिन उन राक्षसों ने यहाँ पर भी आशा नहीं छोड़ी, रावण का अंतिम संस्कार करने के बजाय रावण के शव को एक मम्मी बनाने का निश्चय कर लिया, और मम्मी बनाने के बाद रावण के शव को एकदम सुरक्षित रखा गया है। लेकिन यहाँ पर एक मान्यता है कि श्रीलंका में रावण की गुफा है, जहाँ पर उसने तपस्या की थी, वहीं उसे रखा गया है। श्रीलंका का एक घना जंगल है, जहाँ पर रेखला की गुफा में उस रावण के शव को रखा गया है। और हम आपको बताते हैं कि रावण के शव को लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर रखा गया है, और रावण की लंबाई लगभग 18 फीट की है, और चौड़ाई है 5 फीट की। और यहाँ तक कि ताबूत के नीचे रावण का एक बेशकीमती खजाना दबा हुआ है, जहाँ पर इंसान का जाना लगभग नामुमकिन है, और जिसकी रखवाली एक सांप और वहाँ पर खूंखार जंगली जानवर करते हैं, और इसलिए तो वहाँ पर कोई भी जाने की हिम्मत भी नहीं करता है। और यहाँ तक की मान्यता ये भी माना जाती है कि जहाँ पर रावण ने सीता का जब हरण करके रखा था, उसके पास ही एक झरना भी है, और जहाँ की चट्टानों में अभी भी हनुमान जी के पैरों के निशान मौजूद है। आपको ये जानकर काफ़ी और हैरानी होगी कि जब आप सुनेंगे कि अक्सर रावण को यही समझा जाता है कि रावण के 10 सिर थे, कि जब रावण जब छोटे थे उनकी माँ ने उन्हें 9 मोतियों वाला हार पहनाया था, उस 9 मोतियों के हार में रावण की 10 सिर की छाया दिखती थी, और रावण के अंदर 10 सिरों जितना दिमाग था, और यही कारण है कि रावण को दशानन भी कहा जाता है। लेकिन जरा यहाँ पर एक सेकंड के लिए रुकिए, यहाँ पर ऐसा मैंने कह रहा, ऐसा थालिंग की राष्ट्रीय पुस्तक रामायण में लिखा हुआ है, लेकिन ये दोनों बातें हमारे रामायण के पुस्तक ग्रंथ में नहीं बताया गया है, और ना ही ऐसा रामायण के सीरियल में ये बताया गया है। गाइस, आज भी हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि रावण के शव को आखिरकार अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया है। गाइस, क्या आपको पता है कि रावण की जब आखिरी सांस चल रही थी, तो उसने आखिरी शब्दों में क्या कहना चाहा? भगवान श्री राम ने जब लंकापति रावण का वध किया, तो रावण ने लक्ष्मण को कुछ बातें बताई। रावण ने अपने आखिरी शब्दों में अपनी गलतियों का जिक्र किया था। रावण ने अपने आखिरी शब्दों में यह कहा कि हमेशा उस मंत्री या साथी पर भरोसा कीजिए जो तुम्हारी आलोचना करते हो, और साथ ही अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर या छोटा मत समझिए, जैसे कि मुझे हनुमान के मामले में समझने में भूल हुई। गाइस, मैंने इस वीडियो में जो भी कुछ बताया है वो मैंने अपनी मनमर्जी के मुताबिक नहीं बताया है। इस वीडियो में जो भी कुछ बताया गया है वो मैंने अपनी पूरी रिसर्च के साथ इस वीडियो में बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर फॉलो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर दिस वीडियो।